यदि आप ITI स्टूडेंट्स हो और टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज DRDO ISRO DMRC BHEL SAIL GAIL तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.specialtechnoonlinecoaching.com। यहां पर ऑल टेक्निकल एग्जाम की कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड्स, BSF टेक्निकल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टेक्निकल का 10 फरवरी को आपका एग्जाम है, जिसके एडमिट कार्ड आपके पोस्टल एड्रेस पर भेज दिए गए हैं। काफी सारे सेंटर के काफी स्टूडेंट को एडमिट कार्ड मिल चुके हैं और काफी सारे स्टूडेंट को एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं। तो जिन स्टूडेंट को एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, वो यहाँ पर वेबसाइट पर BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए उनकी लिस्ट पर अपलोड किए अलग अलग सेंटर की, तो वहां पर यदि आपका नेम है तो आप रिटर्न एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो। आज की इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिया है, किस प्रकार आपको नेम को चेक करना है। यदि आपका एडमिट कार्ड आपको रिसीव नहीं होता है तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने मिलेगा, उसके साथ क्या कंडीशन है सारा कुछ मैंने वीडियोस में बताया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियोस की, वहां से जाकर देख लीजिए। अब थोड़ा सा यहां पर और भी लिस्ट अपलोड हुई है तो मैं बता देता हूं कौन कौन से सेंटर की जो है एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट अपलोड की है। तो देखिए, गुजरात सेंटर की अवेलेबल है, दिल्ली की, राजस्थान की, हजारीबाग की, जम्मू की, बेंगलोर की, गुवाहाटी की, ये सभी सेंटर की जो है एलिजिबल जो भी कैंडिडेट है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां जाइए। यदि आपने इन सेंटर से फॉर्म भरा है किसी से भी तो वहां पर अपने नेम को चेक कीजिए, यदि आपका नेम है तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और एग्जाम की डेट यहां पर 10 फरवरी 2019। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, काफी ज्यादा आपकी मांग आ रही थी इसके सिलेबस को लेके। तो यहां पर देखिए फ्रेंड, नोटिफिकेशन में सारा कुछ आपका सिलेबस क्लियर करके तो उन्होंने नहीं दिया है, ओनली उन्होंने क्या बोला है कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और इनके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय आपके पास होगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो कहां से लिए जाएंगे, आपकी ITI में जो भी आपका ट्रेड है, चाहे आपका फिटर हो, टर्नर हो या जो भी आपका ट्रेड है, उसी ट्रेड से आपके क्वेश्चन को लिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ओनली इन्होंने बोला है कि आपका जो ITI है उसके रिलेटिव ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन लेवल का मेरे को भी अनुमान नहीं है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टेक्निकल में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है या आपके ओनली ITI बेसिस के क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स से कि कोई स्टूडेंट्स है जिसने इससे पहले कभी BSF का एग्जाम दिया हो टेक्निकल का, या उसके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, तो इस WhatsApp नंबर पर जरूर मेरे से संपर्क करें। मैं थोड़ा सा उनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं सभी स्टूडेंट को गाइड कर सकूंगा कि क्या क्वेश्चन लेवल रहता है। थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपरली आपके ITI थ्योरी से पूछे जाते हैं, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड होते हैं। एक्चुअल में इससे पहले BSF टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर मुझे अभी तक नहीं मिला है जिससे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं, लेकिन नोटिफिकेशन में यहां पर ओनली दिया है कि ITI के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी रिलेटिव ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी मैं आपको केवल इतना ही गाइड करूंगा कि इसमें कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाना है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे 100 वो टोटल टेक्निकल होंगे और यहां पर बोला गया कि आपके ट्रेड से रिलेटिव क्वेश्चन होंगे, तो आप अपनी ट्रेड थ्योरी को कंप्लीट करके चलिएगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूं यहां पर नोटिफिकेशन में जो जानकारी है वो आप तक प्रॉपरली पहुंच गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, प्लस साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।